अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फिर एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा लेक्चर है एसेंशियल फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सेकेंड ईयर का आर्टिकल है, पहले चैप्टर का। लेक्चर शुरू करने से पहले आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ। जैसे कि इसमें आपको नज़र आ रहा है, एसेंशियल फीचर्स के हवाले से हमारे पास सबसे पहले ग्रुप्स एंड पीरियड्स होंगे, उसके बाद सम अदर फैमिलीज होंगी, उसके बाद ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल होगा, और उसके बाद मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स होगा। तो ये एसेंशियल फीचर्स हैं। तो चलें इसको एक्सप्लेन करते हैं। वर्टिकल कॉलम्स पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कहलाते हैं। तमाम एलिमेंट्स सेम ग्रुप में जो मौजूद होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी एक जैसी होती है। पीरियोडिक टेबल में आठ ग्रुप्स डिवाइड किए जाते हैं रोमन न्यूमरल्स की मदद से। एलिमेंट्स जो कि लॉन्ग पीरियड्स में मौजूद होते हैं उनको दो सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ए और बी के लिहाज से। अब जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनको ए सब ग्रुप्स में रखा जाता है, और जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनको बी सब ग्रुप्स में रखा जाता है। अब हम पीरियड्स की बात करते हैं। तो पूरे पीरियोडिक टेबल को सात पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहला पीरियड है, जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स होते हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। ये दोनों नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। हाइड्रोजन एक नॉर्मल एलिमेंट है, जबकि हीलियम एक इनर्ट गैस कंसिडर की जाती है। अब हम सेकेंड पीरियड की बात करते हैं, जिसमें आठ एलिमेंट्स होते हैं। तो ये पीरियड शॉर्ट पीरियड कहलाता है, और इसमें एलिमेंट्स लिथियम से लेके नियॉन तक मौजूद होते हैं। पहले दो एलिमेंट्स जो हैं वो एस ब्लॉक कहलाते हैं, बाकी जो छः हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। सेकेंड पीरियड में मौजूद एलिमेंट्स को याद रखने का आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक सेंटेंस याद रखना है, लाइन बिहाइंड द बर्निंग कार नीड्स ऑक्सीजन फॉर न्यू लाइफ। तो इसी के साथ हमारे पास सेकंड पीरियड के तमाम एलिमेंट जो हैं वो याद हो जाएंगे। जैसे कि देखें, लाइन से मैंने लिथियम लिया और बिहाइंड से बेरिलियम, बर्निंग से बोरॉन, कार से कार्बन, नीड से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ही आ गया, और फॉर्स से फर्स्ट वर्ड हमने निकाला तो फर्स्ट लेटर सॉरी हमने निकाला तो हमारे पास एफ बनता है, और इसी तरह से हमारे पास नियॉन जो है वो न्यू लाइफ से निकाला होगा। तो इस तरह एक सेंटेंस याद रखने से हमारे पास तमाम एलिमेंट्स सेकंड पीरियड के याद हो जाते हैं। अब हम थर्ड पीरियड की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड और थर्ड पीरियड जो है ये शॉर्ट पीरियड कहलाते हैं, जिसमें आठ एलिमेंट्स ही होते हैं। तो थर्ड पीरियड जो है ये सोडियम से स्टार्ट हो रहा है और आर्गान तक जा रहा है। पहले दो एलिमेंट्स सोडियम और मैग्नीशियम, ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, और जो आपके पास एल्यूमिनियम से लेके आर्गन तक हैं ये तमाम जो हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब थर्ड एलिमेंट्स याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए हम लिखते हैं सेंटेंस, सोडी मैजिशियन अलाइंड सिक्स फोन स्टैटिक क्लासिक आर्ट। यानी सोडी जो है इससे हमने सोडियम अखज कर लिया, इसी तरह मैजिशियन से एम जी, एलाइंट से ए एल, सिक्स से हमने एस आई यानी सिलिकॉन, फोन से हमने फर्स्ट लेटर से फास्फोरस, स्टैटिक से सल्फर, और क्लासिक से सी एल, और आर्ट से हमने ऑर्गन जो है वो निकाल लिया। इस तरह एक लाइन याद रखने से हमें, एक सेंटेंस याद रखने से थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स याद हो जाते हैं। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, सोडी मैजिशियन अलाइंड सिक्स फोन स्टैटिक क्लासिक आर्ट। अब हम फोर्थ पीरियड की बात करते हैं। फोर्थ पीरियड में पोटेशियम से लेके क्रिप्टॉन तक 18 एलिमेंट्स होते हैं, और इसको हम लॉन्ग पीरियड का नाम दे देते हैं। इसमें पहले दो एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं यानी कि पोटेशियम और कैल्शियम, इसके बाद स्कैंडियम से लेके
जिंक तक हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो कि 10 होते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और इसके बाद अगले वाले गैलियम से लेके क्रिप्टॉन तक जो है ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे पास 18 एलिमेंट्स हो जाते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स डी सब शेल्स में होते हैं, और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके पी सब शेल्स में होते हैं। इस तरह से हमारे पास दो जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और 8 जो है टोटल मिला के हमारे पास इन्हीं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वालों को मिला के 8 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। तो इनको एस और पी ब्लॉक को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब हम फिफ्थ पीरियड की बात करते हैं। तो फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स हैं, और ये रुबिडियम से शुरू होता है और ज़ीनॉन पे ख़त्म हो जाता है। तो इसको भी हम लॉन्ग पीरियड का नाम दे देते हैं। पहले दो एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, अगले जो हैं 10 यूटेरियम से लेके कैडमियम तक ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और इससे अगले जो हैं वो 6 पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4d सबशेल में मौजूद होते हैं। सिक्स पीरियड की बात करते हैं। सिक्स पीरियड में हमारे पास 32 एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और इसको हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। सीजियम से स्टार्ट होता है और ये रेडॉन पे ख़त्म हो जाता है। तो इसमें जो पहले दो एलिमेंट हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, और इसके बाद 14 जो हैं एलिमेंट्स वो हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसके बाद 10 जो हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और लास्ट में 6 जो हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। तो ये सब मिला के हमारे पास 32 एलिमेंट्स बनते हैं, जिसमें जो लास्ट वाला एलिमेंट है रेडॉन वो एक नोबल गैस है। इसी तरह से जो हमारे पास लेंथेनियम से स्टार्ट हो रहे हैं उसको हम लेंथेनाइड्स सीरीज का नाम दे देते हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल में बेस के ऊपर यानी नीचे लिखी जाती है। इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। सेवंथ पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट पीरियड है, इसमें 24 एलिमेंट्स हैं। तमाम एलिमेंट्स इस पीरियड के रेडियो एक्टिव होते हैं। एलिमेंट्स जो कि एफ आर 87 से स्टार्ट हो रहे हैं, इनका एटॉमिक नंबर 110 है, और फर्स्ट टू एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट 14 जो हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और अगले 8 जो हैं हमारे पास वो ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इसमें कोई भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, और ना ही इसमें कोई इनर्ट गैस मौजूद है। एलिमेंट्स जो कि एक्टिनियम से स्टार्ट होते हैं इनको हम एक्टिनाइड सीरीज का नाम दे देते हैं, और ये पीरियोडिक टेबल की बेस में लिखे जाते हैं। एलिमेंट्स जो कि यूरेनियम 92 के बाद स्टार्ट होते हैं उनको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं, और ये दुनिया भर की लेबॉरटरीज में तैयार किए जाते हैं। इनको सिंथेटिक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो हैं वो बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे लिखे जाते हैं, इसलिए इनको हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा ग्रुप्स एंड पीरियड्स कंप्लीट हो गया। अब अगले फीचर्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एसेंशियल फीचर पीरियोडिक टेबल का फैमिलीज है। तो इसमें सबसे पहली फैमिली जो है वो अल्कली मेटल्स की है। अल्कली मेटल्स 1A ग्रुप्स को कहते हैं, और इसमें आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि एस ऑर्बिटल में होता है, और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये पानी के साथ स्ट्रॉन्ग अल्कलीज प्रोड्यूस करती हैं, इस वजह से इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। अल्कली मेटल्स में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रैंकियम मौजूद होते हैं, और ये नीचे रिएक्शन दिया हुआ है, सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। तो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज प्रोड्यूस होने की वजह से इनको अल्कली मेटल्स का नाम दिया गया। अगली फैमिली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जो कि 2A ग्रुप मेंबर्स को कहा जाता है। इनके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये बेरिलियम पहला मेंबर, दूसरा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम इसमें मौजूद होते हैं। अगली फैमिली हमारे पास हैलोजन फैमिली है, जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, इसको 7A एलिमेंट्स भी कहते हैं, और ये हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, और पहला मेंबर इसका फ्लोरीन और आखिरी मेंबर एस्ट्रेटीन होता है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और
इनको हेलोजिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं, ये सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए इनको हेलोजिन फैमिली का नाम देते हैं। इससे अगली फैमिली कैल्कोजेन फैमिली है, जिसको बाद लोग चाल्कोजेन भी पढ़ते हैं। तो ये जो फैमिली है इसमें 6 ए ग्रुप मेंबर्स को कहा जाता है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। और इसके मेंबर्स आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, 6A के नीचे लिखा हुआ है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम मौजूद होते हैं इसमें। इसके बाद अगला फैमिली जो है हमारे पास वो इनर्ट गैसेस की है, जिसको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें, ये 8A ग्रुप एलिमेंट्स वाले मेंबर्स को कहा जाता है और इनको हम जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो इसमें आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो तमाम इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, इसलिए इन गैसेस को हम इनर्ट गैसेस कहते हैं। नेक्स्ट फीचर पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स हैं। तो पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पहले जो दो ग्रुप हैं हमारे पास 1A और 2A, इनको हम S ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 और NS2 होती है रिस्पेक्टिवली, और ये आपको लिखी हुई नज़र भी आ रही होगी। और इसी तरह से हमारे पास ये अगले वाले जो मेंबर्स हैं उनको हम P ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। P ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो ग्रुप 3A से लेके ग्रुप 8A एलिमेंट्स तक मौजूद होते हैं इसमें, और यहाँ पे आपको इसके मेंबर्स नज़र आ रहे होंगे। हीलियम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होती है और बाकी सब को छोड़ के उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 तक हो सकती है, यानी आखिरी जो 8वां ग्रुप है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी में जो पी ऑर्बिटल होता है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन हो रहा होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3B से लेके 2B तक के एलिमेंट्स शामिल होते हैं। इनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी सबशेल में मौजूद होते हैं, इसलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो ये ज़्यादातर हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं। इसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन्स एफ सबशेल के अंदर मौजूद होते हैं। इनमें हमारे पास लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज मौजूद होती है। आखिरी फीचर जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मौजूद है वो तमाम एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। इन्होंने पूरे एलिमेंट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ग्रुप मेंबर्स 1A और 2A के जो मेंबर्स थे उनको गुड मेटल्स कहा गया, यानी उनको मेटल्स में तकसीम किया गया, और इसी तरह से तमाम डी और एफ जो एलिमेंट्स हैं वो भी मेटालिक इन नेचर करा दिए गए। तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को देखा गया और इनकी प्रॉपर्टीज़ को मैच करते हुए मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में तकसीम किया गया। अब मेटल्स जैसे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इन ये इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये पॉजिटिव आइन बनाती हैं, पहली प्रॉपर्टी मेटल्स के लिए होती है। दूसरी ये कि ये हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं, और तीसरी ये कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं गुड, और इसी तरह से मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, और इनको जो ऑक्साइड्स होते हैं इनको अगर पानी में मिक्स किया जाए तो एल्कलीज या बेसिस प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी लिखी हुई हैं, तो नॉन मेटल्स के मुताबिक हमारे पास जो एलिमेंट्स नेगेटिव आयन बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखते हैं उनको नॉन मेटल्स कहा गया। ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते और इनके ऑक्साइड्स को जब पानी में मिक्स करते हैं तो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि यहाँ आपको सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस जो है वो वाटर में डिजॉल्व करके सल्फ्यूरिक एसिड बना के दिखाया होगा। इस तरह मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो मेटलॉइड्स हमारे पास ग्रुप 3A से लेके 4A 5A के कुछ मेंबर्स जो हैं लोअर वाले उनको मेटलॉइड्स कहा गया, यानी इनमें दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई गई, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ थी उनको मेटलॉइड्स कहा गया। मेटलॉइड्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके मुताबिक यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं
और इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी सलाहियत रखते हैं, यानी इंटरमीडिएट होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटीज इनकी इंटरमीडिएट होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में। और तीसरा ये कि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब ये कि एसिड्स अगर ऐड करेंगे तो वो बेसिस बनाएंगे और बेसिस अगर ऐड करती हैं तो वो एसिड्स बना सकते हैं। तो इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसलिए इनको मेटलॉइड्स कहते हैं। टेबल इसी के साथ आज का लेक्चर इख्तिताम हुआ। आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।